वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन के बारे में कुछ बात करते हैं, देखेंगे हम लोग मेंसुरेशन क्या होता है। जब बात आती है मेंसुरेशन की या फिर एडवांस मैथ की, तो हम लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है एडवांस मैथ के जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये ज़रूरी होता है कि हम लोग मेथड को सीक्वेंस में देखें, डिटेल या बेसिक से पढ़ें। ओके, जितना अच्छा बेसिक होगा, एडवांस के क्वेश्चन इतने जल्दी और एक्यूरेट सॉल्व होंगे। एडवांस में सिर्फ बेसिक होता है। अब हम लोग बात करते हैं एडवांस मैथ पे, देखते हैं इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं। मैथ में एडवांस में बेसिकली होता क्या है, पॉइंट। फिर जब वेरियस पॉइंट को एक लाइन में खींचते हैं तब बनती है लाइन, और लाइन से ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं बोर्ड पे। देखो जैसे इसको क्या है, बेसिकली एक पॉइंट होता है। अगर हम लोग बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हालांकि पॉइंट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ये सर्कल हो जाएगा, लेकिन इसको पॉइंट करते हैं। और जब बहुत से पॉइंट एक सीधी रेखा में रखते हैं यूं, तब क्या बनती है, लाइन बनती है। जैसे ये, ओके, इसको क्या बोलते हैं, लाइन, पॉइंट और लाइन। अब देखेंगे इसके बाद हम लोग ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसे बनता है। ओके, तो जब बेसिकली जब तीन साइडें मिलती हैं, तीन साइडों को मिलके ट्रायंगल बनाया जाता है। देखिए ये एक ए बी सी एक ट्रायंगल है, लेकिन अब क्या ट्रायंगल बनने की भी कुछ कंडीशन होती हैं? हाँ बिल्कुल होती हैं, ट्रायंगल बनने की भी कंडीशन होती हैं। अगर आप पूछें कि ट्रायंगल बनने की भी कुछ कंडीशन होती हैं, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल होती हैं, आओ उन कंडीशन को देख लेते हैं। ओके, देखो ट्रायंगल बनने की कंडीशन होती है, जैसे हम इसके साइड एज्यूम करते हैं 8, 14 and 6। ठीक, तब हम ये देखेंगे कि ये ट्रायंगल बन सकता है नहीं बन सकता है। ये ट्रायंगल तभी बनेगा जब दो छोटे साइड का सम योग बड़ी साइड से बड़ा होगा। ठीक, अब देखो इसका ये ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा, 6 and 8, 14, तब ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ये ट्रायंगल नहीं बन सकता। इसके लिए हमको ये 6 रॉन्ग हो जाएगी, तब क्या करना होगा। अगर हम 5 लेते हैं, 5 आल्सो रॉन्ग, क्योंकि इसका तो 13 ही होगा, 13 ही होगा, इसलिए हमको अब इसके ऊपर बढ़ाना होगा। तब देखेंगे 7 and 8, 15, मतलब 15। अब 15 देखेंगे 14 से अधिक है, ज़्यादा है, अब ये ट्रायंगल बन सकता है। ओके, अब आप पूछेंगे कि ट्रायंगल बनने की कोई और कंडीशन है, तो हम बोलेंगे जी हाँ एक और कंडीशन है। अब ये तो मिनिमम हुआ ना, मैक्सिमम भी तो कुछ होगी, ऐसा थोड़ी है कि मैक्सिमम 512 या फिर 502 लिख दिया, अब एक है 58, एक है 502, एक है 14, ये भी ट्रायंगल बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो अब इसकी मैक्सिमम कंडीशन देखते हैं। जब हम बात करते हैं मैक्सिमम कंडीशन की, तो अगर ऐड करते हुए जाएं 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22। अब इसका जो मैक्सिमम कंडीशन होगी, मैक्सिमम लाइन क्या होगी, उसके बारे में बात करते हैं, लेंथ ऑफ लाइन। अब इसका और इसका सबसेक्शन जो होगा वो 14 से कम होना चाहिए, तीसरी साइड से कम होना चाहिए, तभी बनेगा। अगर इसका जो सबसेक्शन होगा, मतलब अंतर होगा, अगर 14 से बराबर या इससे ज़्यादा है, तब ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब देख लेते हैं इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या आएगा, 22 सबट्रैक्ट 8, मतलब 22 से 8 घटाएंगे, तब क्या आएगा,
देख लेते हैं कितना आएगा 14, तब 22 मैक्सिमम तो नहीं हो सकती, तो फिर ये कट जाएगी, ठीक, ये नहीं हो सकती। क्या ये 21 हो सकती है? हाँ, देख लेते हैं। जब देखते हैं 21 से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, आपका आंसर होगा 13, बिल्कुल सही। तो ये 13 14 से लेस है, मतलब कम है, इसलिए ये इस ट्रायंगल की एक वेरियस साइड्स जो हैं ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21, ये इतनी साइड पॉसिबल हैं, इन साइडों से ट्रायंगल बन सकता है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल, अब ये तो हुआ ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल ट्रायंगल की कितनी साइड होती है, कैसे बनता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या ट्रायंगल के भी टाइप होते हैं, क्या विभिन्न प्रकार के ट्रायंगल होते हैं आप पूछेंगे, तो हम बताएंगे जी हाँ, बिल्कुल विभिन्न प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। उन विभिन्न प्रकार के ट्रायंगलों को हम लोग देखते हैं। स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, देखते हैं, पहले इसको हम लोग समझ आया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। विषमबाहु त्रिभुज या फिर ट्रायंगल, वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें अलग अलग हों, तीनों भुजाएं भिन्न हों, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं, चलो इजी आंसर लेते हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि जल्दी समझ आए, आगे चल के वो करेंगे। अगर ये साइड 5 है एंड 4 एंड 3, ठीक, 5, 4, 3, अब हम लोग देखेंगे बेसिकली ये है तो राइट एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अगर देखेंगे तो ये विषमबाहु त्रिभुज भी है, स्केलन ट्रायंगल भी है। अब इसके वेरियस पार्ट होते हैं जो हम लोगों को निकालने होते हैं, जानना चाहिए। अब देखते हैं इसका पहले क्या क्या इसके बारे में जानना होता है, वो बात कर लेते हैं। अगर बात करते हैं फर्स्ट, और इसका पेरीमीटर जानना होता है, पेरीमीटर मतलब परिमाप, ठीक। अगर परिमाप की बात करें तो किसी भी फिगर का परिमाप होता है जैसे उसको बाहर से कवर कर लेना, एक बाउंड करना किसी से, मतलब वायर या फिर रस्सी या फिर किसी तरीके से कवर कर लेना। अगर यहाँ से कोई हम वायर लगाएंगे तो देखो यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे ये 4 सेंटीमीटर या फिर जो यूनिट है 4 यूनिट लेंगे, फिर ये 3 यूनिट लेंगे, ठीक, और फिर ये 5 यूनिट लेंगे, तब कितना हो जाएगा। बेसिकली इन सबको ऐड करना होता है परिमाप में, जो साइड्स होती हैं 4, 3, 5, 4, 3, 5 कितना होगा, 4, 3, 7, 7, 5, 12, तब इसका पेरीमीटर होगा कितना, 12 यूनिट। पेरीमीटर का फार्मूला आप लोगों की समझ आया होगा, जैसे पेरीमीटर का फार्मूला होता है, इसको अगर हम लिखते हैं साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3, देन S1, S2, देन S3, ओके, इसी से ये 12, पहले समझा दिया फिर फार्मूला भी बता दिया, ठीक, कैसे क्या होता है। कोई भी ट्रायंगल का पेरीमीटर के लिए हम लोग ध्यान देंगे किसी तीनों साइडों का सम कर लेंगे, योग कर लेंगे, वो सभी पेरीमीटर पे, मतलब सभी ट्रायंगल का पेरीमीटर इसी से निकलेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका फार्मूला एरिया का, जो स्केलन ट्रायंगल होता है ये फार्मूला सारे ट्रायंगल में लगता है, ठीक है। एरिया का फार्मूला होता है S माइनस A इंटू S माइनस B
इंटू एस माइनस सी, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आप पूछेंगे एस क्या है, हम बताएंगे एस इक्वल एस है सेमी पैरामीटर, एस वन एस टू सॉरी एस थ्री, ये एस सेमी पैरामीटर है और ये साइड का है, ठीक ध्यान रखिएगा ये साइड है, कंफ्यूज ना होना, बाई टू सेमी पैरामीटर बाई टू है, ओके एस एस टू एस थ्री बटे टू, जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। अब हम लोग ये फार्मूला एरिया का किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हैं, ये यूनिवर्स है। अब देखते हैं इसका हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं, क्वेश्चन ने जो लिखा है देखते हैं, इधर देख लेते हैं। अब इसका पेरीमीटर कितना है, 12, पेरीमीटर इक्वल 12 हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। अब सेमी पेरीमीटर मतलब 2 से भाग कर लेंगे एस निकालने के लिए, 12 बाई 2 इंटू 6, ये लोग हम लोग ओरली करेंगे, यहाँ आपको समझा रहे हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, जितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन उतना ही जल्दी सॉल्व होगा और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अब इसमें रखते हैं, इसमें एस, एस की वैल्यू कितनी है 6, फिर एस एस माइनस ए एक 4 या 3 कुछ भी ले लेते हैं, एस माइनस 4 मतलब 6 माइनस 4 इंटू 2, फिर एस माइनस 3 6 माइनस 3 3, एस माइनस 1 6 माइनस 5 1, इसका रूट, ठीक। अब ये रूट से बाहर निकालेंगे, 3 इंटू 2 इसको कर लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 1, ओके। अब देखते हैं, देखो ये एक पैर बनना 3 का, ये एक पैर बनना 2 का, 3 इंटू 2 का एक पैर 2 निकला, 3 के पैर से 3 निकला, इक्वल नहीं आ रहा होगा तो आगे देख लेते हैं, 6, ठीक एरिया कितना आया 6, 2 3 6। अब हम लोग अगर इन एग्जामिनेशन, पहली बात तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये इसलिए है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। वैसे अगर ऐसा कुछ होता है पेरीमीटर देखने के लिए तो हम लोग आंसर में देखते हैं 6 का मल्टीपल, और जहाँ तक कि मिल जाता है कंपिटेटिव एग्ज़ाम में उसको टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे ये सब चीज़ें हम लोग जब क्वेश्चन कर रहे होंगे वहाँ सॉल्व करेंगे, ओके। अब त्रिभुज देख लेते हैं हम लोग, संभव त्रिभुज में, संभव त्रिभुज बना लेते हैं पहले, ठीक ए बी सी, समबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, और ये डिफरेंट होगी, ठीक। इस त्रिभुज में भी वो फॉर्मूला लगेगा, हम लोग साइड एज्यूम कर लेते हैं, 6 6 6 6, ये दोनों साइड इक्वल हैं, ओके। अब इसको एज्यूम करते हैं इजी बनाने के लिए, अगर इजी करना है तो इसको करते हैं 16, फॉर एग्जांपल 16 है ये। और अब इसमें हम लोग देखेंगे कुछ आगे की चीज़ें हैं, जैसे मीडियन होता है, मीडियन और इन सेंटर बाय सेंटर, इन सेंटर सर्कम सेंटर मीडियन, एल्टीट्यूड, अब यहाँ से मीडियन डालेंगे, ठीक। मीडियन जो सम द्विबाहु त्रिभुज होता है, सम द्विबाहु त्रिभुज में मीडियन एल्टीट्यूड ये दोनों एक ही लाइन पे होते हैं, और पॉइंट होते हैं वो भी एक ही लाइन पे होते हैं, लेकिन अभी हम लोग दो चीज़ें समझते हैं, आगे जो आती रहेंगी हम लोग समझते रहेंगे, ओके। अब मीडियन इसको दो बराबर भागों में बांटता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक, माना कोई डी है, जब ये दो बराबर भागों में बांटेगा तो ये होगा 8, ये होगा 8, ठीक 8 8, पहले इसको कर लेते हैं ए ए एंड ये पूरी है बी, ठीक। इसका फार्मूला निकालते हैं, अब हम लोग अगर देखेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला भी उसी से निकाल, पेरीमीटर तो वही हो जाएगा, पेरीमीटर का फार्मूला सबको ऐड कर लेंगे, ठीक। एरिया का देखते हैं,
एरिया का फॉर्मूला क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक, अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं। एस एस सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ए ए प्लस बी, ये पूरी बी है। ठीक, ए ए प्लस बी, ठीक, बाई टू सेमी पेरीमीटर का, तो होगा टू टू ए प्लस बी बाई टू। ठीक, ये होगा ए प्लस बी बाई टू, ये टू टू कट जाएगा, इसको अलग करेंगे। ठीक, अब इसमें रख लेते वैल्यू, एस की जगह क्या रखेंगे, ए प्लस बी बाई टू, यहाँ ए प्लस बी बाई टू माइनस ए, यहाँ रखेंगे ए प्लस बी बाई टू माइनस बी, यहाँ रखेंगे ए प्लस बी बाई टू, देखो ये एक ए है और ये एक ए है, इसके जगह फिर ए रखेंगे माइनस ए एंड रूट। अब देखेंगे ए और ए ये कट गया, ए और ए ये कट गया। ठीक, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये है ए प्लस बी बाई टू, ये बच्चा सॉरी बी बाई टू, ये देखो ए प्लस बी, ये प्लस का वन हाफ बी है, ये माइनस का है, तो यहाँ बचेगा माइनस बी बाई टू, यहाँ कितना है बी बाई टू रूट। अब देखो ये बी बाई टू, ये बी बाई टू रूट के बाहर आ जाएगा, तो बी बाई टू पेयर बन रहा, और ये और ये, देखो ये एक फार्मूला लिखा हम लोग, इधर देख लेते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला उधर रखा है, उसको यहाँ से देखो यही लिखा है ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, अब इसको कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर, इसका फार्मूला निकाल लिया, ये इसका इसका एक पेयर बन रहा है, इसको बाहर कर लिया। ठीक, अब यहाँ देखेंगे ये फोर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ का फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फोर बाहर ले लेंगे, फोर बाहर लेंगे तो टू आएगा, बी टू इंटू टू बाहर आ गया, अंदर क्या बचा फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके ये बाहर ले लिया, नीचे टू, फोर था टू आ गया। अब आगे देखेंगे बी बाई फोर, फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसके एरिया का फार्मूला है, कहाँ से आया, इसी से, वो जो हम लोगों ने बेसिक का फार्मूला पढ़ा रखा है, वो चाहे जो भी ट्रायंगल हो सब में लगेगा। ओके, अभी इसमें सर्कम सेंटर इन सेंटर बाकी है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, बने रहिए हमारे साथ देखने के लिए।